Namaskar welcome to the state council of educational research and training and indeed i welcome all of you to the english class of class 9th so today in english class what's your guess what we are exactly going to read today we are going to read about the most beautiful creature of the nature now what in your opinion according to you tumhare Nussar, which is the most beautiful creature of the nature क्रीचर यानी कोई भी जीव जंतु जो तुमको सबसे अच्छा लगता हो जो प्रकृति ने बनाया है द क्रीचर विच नेचर हैज़ मेड सो यस आई कैन हियर यू सम ऑफ यू विल से रैबिट इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रीचर खरगोश बहुत अच्छा लगता है डियर इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रीचर सम ऑफ यू मे से पीकॉक इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रीचर किसी को लगेगा मोर बहुत सुंदर है कुछ लोग फूल पत्तों का नाम ले सकते हैं है ना किसी को गुलाब बहुत सुंदर लगता है एंड ही और शी मे थिंक दैट रोज इज़ द मोस्ट ब्यूटिफुल क्रीचर येस ऑल ऑफ देम आर ब्यूटिफुल इन देयर ओन वे वी हैव ब्यूटिफुल प्लांट्स अराउंड अस वी हैव ब्यूटिफुल माउंटेन्स रिवर्स लाइफ एनिमल्स प्लांट्स ट्रीज फ्लावर्स फ्रूट्स देर आर सो मैनी थिंग्स which nature has created and they are all beautiful in their own way sab kuch apne aap pe bahut sundar hai but today we are especially going to talk about the beautiful flowers aur iske sath ek sawal aur have you ever thought that let us keep these beautiful things in a permanent way इनको बिल्कुल अपने पास जमा करके रख लेते हैं इनको कभी खत्म नहीं होने देंगे Suppose you love a rabbit, एक खरगोश तुमको बहुत अच्छा लगता है तुम उसको कितने साल रख सकते हो हाउ लॉन्ग यू कैन कीप दैट रैबिट विथ यू वन ईयर टू ईयर फाइव ईयर्स सपोज सिक्स ईयर्स बट वन डे नो मैटर वॉट आप कितनी भी अच्छी देखभाल करो इट विल डाई कभी ना कभी तो वो जाएगा ही सिमिलरली सपोज़ समबडी हैज़ गिवन यू अ ब्यूटिफुल बुके एक बहुत अच्छा फूलों का गुलदस्ता दिया है एंड यू वॉन्ट टू कीप इट फॉर एवर forever means hamesha you want to keep it forever hamesha ke liye can you keep it no matter what kitni bhi dekhbhal karo kuch bhi ho one day that bouquet will dry away wo jayega the flowers will dry and the flowers will decay and everything will be lost this is a very simple thing which we often observe but never think about it हम अक्सर ऑब्जर्व करते हैं हम देखते हैं वी सी दीज थिंग्स हैपनिंग अराउंड अस बट वी नेवर ऑब्जर्व हम उसको बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करते हैं बट दिस इज वॉट द पोएट्स आर फॉर कहते हैं ना जहाँ न पहुंचे रवि वहाँ पहुंचे कवि दैट मीन्स इंग्लिश क्लास टूडे वी आर हैविंग अ ग्रेट पोएट रॉबर्ट हेरिक एंड हिज ब्यूटिफुल पोएम टू डैफोडल्स येस डैफोडल्स इज ऑल्सो द नेम ऑफ अ फ्लार ऐसी ही बातों पर आज की पोएम है एंड हु इज द पोएट द पोएट इज रॉबर्ट हैरिक नाउ जस्ट हैव अ लुक एट द पिक्चर किस फूल की बात रॉबर्ट हैरिक कर रहे हैं हैव अ लुक यस ब्यूटिफुल ब्राइट येलो फ्लावर्स डेफोडल्स बिल्कुल ऐसे फूल तुमने नहीं देखे होंगे बिकॉज दीज फ्लावर्स डू नॉट ग्रो इन इंडिया एंड नॉट इन बिहार ये फूल यहाँ नहीं उगते हैं दीज फ्लावर्स आर वेरी कॉमन इन कोल्ड कंट्रीज जो ठंडी जगह हैं इंग्लैंड एंड अदर यूरोपियन कंट्रीज दे आर दे ग्रो वहाँ वो उगते हैं एंड वेंडो दे ग्रो कब उगते हैं जस्ट आफ्टर द विंटर एंड जस्ट बिफोर द स्प्रिंग सीजन बिल्कुल विंटर जैसे जैसे ठंड खत्म होती है और स्प्रिंग की शुरुआत होती है इट्स द टाइम वेन दिज डेफोडल्स ग्रो एंड दे आर सो ब्यूटिफुल बिकॉज दे ग्रो इन बंचज़ पूरे खेत के खेत घास के फूल जैसे यहाँ से वहाँ तक डैफोडलसी नज़र आते हैं एंड दे आर सो ब्यूटिफुल दैट वॉज यू कैन एक्सपीरियंस इन द पिक्चर ठीक है सो रॉबर्ट हैरिक इज़ वेरी प्लेज टू सी दीज फ्लावर्स एक बार तो वो बहुत खुश होते हैं इतने सुंदर फूलों को देख कर बट एट द सेम टाइम ही हैज़ अ वेरी फलोसफिकल नेचर वो हर चीज़ की गहराई में जाकर सोचते हैं How लॉन्ग दीज डेफोडिल्स आर गोइंग टू लास्ट कब तक ये daffodils रहेंगे आर दे गोइंग टू लास्ट फॉर एवर क्या ये हमेशा हमारे साथ रह सकते हैं आई होप now यू हैव द आंसर अब आप समझ सकते हो कि नो मैटर वॉट दीज डेफोडिल्स विल ऑल्सो नेवर लास्ट फॉर एवर कभी ये हमेशा के लिए नहीं रहेंगे दे विल ग्रो दे विल ब्लूम बट एट द सेम टाइम दे विल ड्राई एंड डिके ये सूखेंगे और ये मुरझाएंगे भी और मुरझाने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं विल्टेड सो द फ्लार्स विल ब्लूम एंड दे विल ऑल्सो गेट विल्टेड दिस इज अव वर्ड यू कैन नोटड डाउन इन योर कॉपी डब्ल्यू आई एल टी ई डी विल्टेड सो फ्लार्स हैव देयर ओन नेचर जस्ट लाइक फ्लार्स ईच वन ऑफ एस एवरी लिविंग बींग नेचर टू ग्रो टू ब्लूम एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो डी के एंड डाई वो ख़त्म भी होगा सो अबाउट दिस पेरिशेबल नेचर दिस वर्ड यू हैव इन योर बुक पेरीशेबल ठीक है पेरिशेबल पेरिश perish मतलब खत्म होना और एबल मतलब खत्म होने लायक सो पेरीशेबल इन नेचर पेरिशेबल मीन्स खत्म होने लायक जो चीज़ें हैं उसके ऊपर द पोएट फील सैड The poet feels sad that these beautiful flowers and everything beautiful around us have a perishable nature. This word perishable is very simple. Perish means खत्म होना, able means, you know, सकना. So खत्म हो सकने वाली सारी चीजें हमारे चारों तरफ हैं. Nothing is permanent. The life is transitory. ये भी शब्द तुम्हारी बुक में है. You can underline it, transitory. ट्रांजिटेनिस यानी जिसको हिंदी में हम कहते हैं क्षण भंगुरता यानी सब कुछ खत्म होने वाला है सो द पोएम टू डाफोडल्स बिगन्स विद द ब्यूटिफुल नोट टू द ब्यूटी ऑफ द फ्लार बट एट द सेम टाइम इट ब्रिंग्स यू अ फिलोसफिकल नोट अबाउट द नेचर ऑफ लाइफ लाइफ जिस तरह से चलती है उसके बारे में पोएट बात करते हैं So, what does he say? Let's read in the first stanza, first part of the poem. The poem is before you, we can read it out. Fair daffodils, we weep to see. Pyare daffodils, Kupsura daffodils, beautiful daffodils, we weep to see. Hame dekh kar ye rona aata hai. Why? Why do you weep to see?

तुमने देखा दिस ब्यूटिफुल फ्लावर्स देखो साइड में जो फ्लावर्स का पिक्चर है ये इतने छोटे छोटे प्यारे घास के फूल हैं दे आर सो ब्यूटिफुल लेकिन इनका समय कितना कम है विद अर्ली राइजिंग सन दे ब्लूम सुबह उगते सूरज के साथ दे ब्लूम ये खिलते हैं एंड बाय नून और बाय लेट आफ्टरनून ये ख़त्म हो जाते हैं हैज़ नॉट अटेंड हिज नून जब तक सुबह का सूरज दोपहर तो तक भी नहीं पहुंचता है लगभग तब से तुम खत्म होना शुरू हो जाते हो यू हेस्ट अवे सो सून वंस अगेन लेट्स रीड द पोयम एंड फील द ब्यूटी ऑफ द पोयम फेयर डाफोडल्स वी वीप टू सी यू हेस्ट अवे सो सून एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेंड हिज नून इतनी जल्दी जब तक कि दोपहर भी नहीं हुई है स्टे स्टे रुक जाओ Until the द हेस्टिंग सन run, जब तक कि जल्दी में ढलता हुआ ये जो दिन है वो थोड़ा बीतने दो अभी इतनी जल्दी मत जाओ बट टू the इवें सॉन्ग तब तक के लिए रुक जाओ तब तक हम और तुम एक साथ ये गीत गा सकें एंड हैविंग prayed टुगेदर और एक साथ हम प्रार्थना कर सकें वी विल गो विद यू along। जाना तो सबको है येस नॉट जस्ट यू वी ऑल्सो हैव टू कम विद यू हमें भी जाना है

और तब हम एक साथ तुम्हारे साथ जाएं एटलीस्ट टिल दैट टाइम यू शुड स्टे दिस इज वॉट द पोएट प्लीज सो जस्ट फील द इमोशंस ऑफ द पोएट एज आई रीट द पोएम वंस अगेन फॉर यू फिर डर वी वीव टू सी यू हेस्ट अवे सो सोन एज येट द अर्ली राइजिंग सन हैज नॉट अटेंड हिज नोन स्टे स्टे अंटिल देस्टिंग डे हेज रन बट टू द इवन सॉन्ग And having prayed together, we will go with you along. So see, this is how in a very sad mood, in a very pathetic tone, the poet expresses his feelings to daffodils. That is stay, stay for a while. Thodi der jao. At least allow us to come along. Hum bhi tumhare saath Because no matter what, we all have to come to the point of death. Now, let us read the second stanza. We have short time to stay as you. Don't worry. You can see the picture how beautiful they are in beautiful colors. Some are white, some are yellow, and together they look so beautiful. So, but how much time do they have to stay? They have short time to stay. And similarly, the poet also says, We have short time to stay.

जितनी जल्दी हम बढ़ रहे हैं यस वी ग्रो फ्रॉम अ बेबी वी बिकम चाइल्ड फ्रॉम अ चाइल्ड वी बिकम यंग फ्रॉम अ यंग पर्सन वी अक्वायर अडल्टुड एंड वन वी अक्वायर अडल्टुड वी ऑल्सो स्टार्ट गेटिंग ओल्ड हम बूढ़े होने लगते हैं एंड एज वी स्टार्ट गेटिंग ओल्डर वी रीच टू द पॉइंट ऑफ डेथ एंड डी सो एज क्विक अ ग्रोथ जितनी जल्दी हम ग्रो कर रहे हैं वी आर ग्रोइंग नॉट टू लास्ट फॉर एवर हमेशा के लिए रहने के लिए नहीं वी आर ग्रोइंग टू मीट डिके अपने डेथ को मिलने के लिए एज यू और एनी थिंग वी डाई बिल्कुल तुम्हारी तरह या किसी भी तरह किसी भी चीज़ों की तरह वी डाई एज योर आर्स डू एंड ड्राई अवे जिस तरह से एज योर टाइम्स डू एंड ड्राई अवे जैसे तुम्हारा समय बीत रहा है एज योर टाइम इज पासिंग आर टाइम इज़ ऑल्सो पासिंग डे बाई डे मोमेंट टू मोमेंट आर्स टू hours, मिनट्स टू मिनट्स वी आर ऑल्सो पासिंग अवे लाइक टू द समर स्रेन बिल्कुल उसी बारिश की तरह विच हैपन्स इन समर सीजन गर्मी की उसी बारिश की तरह ये तो महसूस किया होगा यू मस्ट ऑल्सो हैव ऑब्जर्व बारिश हुई एवरी थिंग इज़ वेट

सो so, और एज द पर्स ऑफ मॉर्निंग्स ड्यू सुबह की मोतियों की तरह हाउ लॉन्ग द ड्यू स्टेज कितनी देर रहता है जस्ट द मोमेंट द मॉर्निंग सन लाइट फॉल्स ऑन द लीव द ड्यू डिसर्स वो ओस खत्म हो जाती है जैसे ही रोशनी पड़ी सुबह की धूप हुई ओस की बूँद खत्म हो जाती है एंड कैन यू फाइंड दैट ड्यू ड्रॉप अगेन क्या तुम्हें फिर वो ओस की बूंद मिल सकती है कैन यू फाइंड इट अगेन No, we cannot find it again. Similarly, things which die, things which ultimately are lost, are never to be found again. So, let us read the poem once again. Let us feel the depth of these lines We have short time to stay as you. We have as short a spring, as quick a growth to meet decay as you or anything. We die. As your hours do and dry away, like to the summer's rain, or as the pearls of morning's dew, never to be found again. So, this is the beauty of the poem. This poem is all about how transitory the life is. Kitna nashwar hai jeevan, Kitna bhangur hai jeevan. Today we are talking, we are laughing, we are playing, we are planning. वे आर सेलिब्रेटिंग सो मैनी थिंग्स आज हम कितनी चीज़ें सेलिब्रेट कर रहे हैं एंड समटाइम्स वी आर ऑल्सो ट्रबल्ड बाय द लाइफ अराउंड अस हम कितनी परेशानियाँ महसूस करते हैं बट इज़ एनी थिंग गोइंग टू लास्ट फॉर एवर चाहे वो जितनी भी अच्छी हो या जितनी भी बुरी हो एनी थिंग नो मैटर हाउ प्लीजेंट इट इज और नो मैटर हाउ पेनफुल इट इज एवरी थिंग हैज़ इट्स ओन एंड जस्ट लाइक दीज डेफोडल्स

वॉट इज द मैसेज फॉर एस दैट वी शुड नेवर गेट पजिस्ड बाई एनी थिंग अराउंड अस एवरी थिंग हम कभी कभी बहुत ज़्यादा पजिटिव हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं राइट सो टू अस्ट द पोएट सेज दैट मैन काइंड शुड नॉट गेट टू मच प्राइड ऑन इट एनी थिंग किसी भी चीज पर बहुत ज्यादा घमंड करने की ज़रूरत नहीं है इफ़ यू आर ब्यूटिफुल वन डे यू आर गोइंग टू गेट ओल्ड एंड योर ब्यूटी विल ऑल्सो फेड अवे फेड मतलब गायब होना खत्म हो जाना एफ ए डी ई फेड अवे धुंधला हो जाना सो योर ब्यूटी विल फेड अवे योर पावर विल फेड अवे योर स्ट्रेंथ विल फेड अवे योर एवरी थिंग द गुडनेस इवन दो गुड पीपल आर देयर ऑन अर्थ वन डे दे विल ऑल्सो हैव टू मीट दिस डेथ एंड एंडिकेट दिस इज द अल्टीमेट लॉ ऑफ नेचर दिस इज द अल्टीमेट लॉ ऑफ लाइफ ये जीवन का नियम है So, let's never get possessed by anything. Let's enjoy our moments. Jab tak hum kar sakte hain, let's enjoy everything in our life. Let's have patience with the life. We should always remember that no matter what, everything one day will pass away. Sab kuch khatm ho jayega. So, let's be respectful, let's be noble, let's be easy and accept this law of life in our own way so this is what robert herrick says his poem is about the daffodils but it's not just about the beauty of the flowers rather with the beauty of the flowers poets wants us to convey the message the ultimate law of nature with us he wants to share his feelings his philosophy with us what he feels while looking at daffodils जैसे डेफोडल्स को देखकर उनको जैसा महसूस होता है जो उनके विचार मन में आते हैं उस बात को वो हमसे शेयर करना चाहते हैं सो लेट्स रिमेंबर रॉबर्ट हेरिक फॉर हिज नोबल थाट्स ब्यूटिफुल आइडिया ऑफ एक्सप्रेशन दिस पोएम हैज़ वेरी सिंपल लाइन्स सिंपल वर्ड्स देर आर नॉट मेनी डिफिकल्ट वर्ड्स सो देट्स वॉट इन योर बुक यू कैन रीड रॉबर्ट हैरिक पोएम्स हैव ल्यूसिडिटी Lucidity, you can underline this word and lucidity means simplicity, clarity, bahut safai, bahut saadgi ke saath, unhone itni badi baat kahi hai. Also, did you find this poem very long? Kya ye poem bahut badi hai? No, it's a very short poem. So, itni short poem with very simple short words, short stanzas, he has given us the deep and a big message of life. बहुत गहरा और बहुत बड़ा संदेश दिया है सो वट डू वी कॉल हिम द पोएम हैज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ब्रेविटी दिस इज अनदर वर्ड विच यू हैव इन योर बुक ब्रेविटी बी आर ई वी आई टी वाई दैट मीन्स संक्षेपण बिल्कुल संक्षेप में विद सिंपल शॉर्ट लाइन्स द मोस्ट इफेक्टिव द मोस्ट मेमोरेबल पोएम दैट येस अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज नॉट अ जॉय फॉर एवर a thing of beauty never lasts forever Ye khushi hamesha ke liye hai. a thing of beauty according to robert herrick never lasts forever Wo kabhi ke liye rahne aati hai. so let's remember robert herrick for his beautiful style of expression brevity of expression lucidity of expression and at the same time the very deep philosophical Meaning which he has conveyed with very simple and beautiful flowers, daffodils. I hope this poem you enjoyed and you will remember the beautiful note, the message given by the poet Robert Herrick. Thank you.